हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं। तो देखिए आज की क्या है महत्वपूर्ण खबरें। बिग ब्रेकिंग न्यूज में है आपके लिए, यूपी ट्रिपल एससी में नई भर्ती होने वाली है 382 पदों पर, और यूपीएससी ओवर एज कृषि से संबंधित जितने भी भर्तियाँ थीं उनका डाटा भेजा जा चुका है। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जुलाई तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, और 88,000 रेलवे भर्ती जल्द होने वाली है। और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं जो मैं वीडियो के शुरू में ही बताता हूं, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षाएँ 28 जून से होंगी। परीक्षा समिति जो है बैठक में गुरुवार को निर्णय जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम 29 जून को बकरीद पर है। यदि 28 जून से परीक्षा शुरू होगी तो त्यौहार में हम अपने घर नहीं जा पाएंगे। तो परीक्षाएं 28 जून से होगी। और देखिए, कार्य परिषद की बैठक में 14 नए महाविद्यालयों को दी गई अस्थाई संबद्धता। एलयू से है संबंध 176 कॉलेज में नए पाठ्यक्रम में 11 को अस्थायी मान्यता प्राप्त हुई है। और देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में ये भर्ती होने वाली है एक्सरे टेक्नीशियन की, जो वैधता मांगी जाएगी पेट की। इसमें देखिए, इसमें 382 पदों पर 15 जून से 5 जुलाई तक आवेदन लेगा। इसमें किसी तरह का संशोधन 12 होगा तो 12 जुलाई तक किया जाएगा। अब मांग सकते हैं यहाँ पे आपको पेट 2022 वाले पात्र होंगे। ये पद 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। इसको आप डिटेल में और देख लीजिएगा। और लोको पायलट के 300 पद बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। देखिए, 88,000 पद स्वीकृत हैं लोको पायलट के लिए। 88,000 पद भारत में जो है स्वीकृत हैं, जिसमें से 82,000 लोग काम कर रहे हैं लगभग, और मालगाड़ियाँ चला रहे हैं। इसमें से 10,000 पद खाली है, तो और जोनों में भर्ती हो सकती है। तो 10,000 पद ही खाली हैं अभी। तो देखिए, 10,000 लोको पायलट के पद रिक्त हैं। और दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद मुख्यालय 6 जून को इस बार आदेश जारी कर दिया है। तो और भर्तियाँ हो सकती हैं। और यूपी पीएससी 10 दिनों में दूर होगी भर्ती की बाधा। जो भर्ती होने वाली थी ओवर एज की सहायक प्राविधिक सहायक भर्ती 2013, 10 दिनों के अंदर डाटा भेज दिया जाएगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्तुत कर देगा। और देखिए, जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरी होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 को पूरा कराने का टारगेट है। एलटी ग्रेड 2018 की शिक्षक भर्ती, और यहाँ पे भी इसको डिटेल में बता देता हूँ, जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरी होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। और जो यूपीपीएससी वाले धरना देने अभ्यर्थी पहुँचे थे, उनको दिया गया आश्वासन कि जो है आपको 10 दिन में आपका डेटा भेज के आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी। और सामूहिक नकल में 15 से अधिक केंद्र होंगे 3 साल के लिए डिबार। और एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती के लिए ऑनलाइन 15 जून से, इसको मैं आपको अपडेट दे दिया हूँ, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। और इसमें है आवेदन में बताएं कब पास किया था गेट, आबकारी विभाग में प्राविधिक अधिकारी, तो डिटेल में इसको देख लीजिएगा। इंटरेस्टेड होंगे इसके लिए सामूहिक नकल में तो बता चुका हूँ। और यूपीपीएससी 10 दिनों में 906 को भेजेगा डाटा। देखिए, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 का मामला ओवर एज अभ्यर्थियों ने को दिया आश्वासन। और युवाओं को रोजगार, डबल इंजन की सरकार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 75 जनपदों के लिए चयनित 7182 NM स्वास्थ्य कर्मियों को
योगी आदित्यनाथ प्रेषित करेंगे जो है लोक भवन सभागार लखनऊ में 9 जून को अजी। और मानसून ने एक हफ्ते की देरी के साथ केरल में दस्तक दे दी है। मानसून अब आने वाला है पूर्वी यूपी में 20 जून तक आने के आसार। और देखिए परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जून तक बढ़ा दी गई हैं। बाकी 20 मई से 15 जून तक का था लेकिन उसे बढ़ा दिया, 21 जून को विश्व योग दिवस सभी विद्यालयों में मनाया जाएगा। शिक्षकों के अंतर जिला तबादले को आवेदन 9 से शिक्षा ट्रांसफर को लेकर शैक्षिक सत्य 24 बेसिस 6% ट्रांसफर। और टीम इंडिया बैकफुट पे है अभी और 4-5 विकेट गंवा चुकी है इंडिया, तो मुश्किल है इंडिया के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट मैं आप लोग के साथ डेली शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।